हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने दोस्तों पे प्रैंक। ये देखो गाइस, ये है हमारा बल्लू दोस्त और ये बहुत ज्यादा हरामी है। लेकिन आज हम इसके साथ करेंगे इतना प्रैंक कि आगे से हमें कभी परेशान नहीं करेगा। अरे देखो, यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रहा है। ओह नो, घर पे तो ये नौकर की तरह काम करता है। चलो गाइस, इसके पानी मिलाते ढेर सारा रंग। अब देखो, जब ये पोछा लगाएगा तो इसका पूरा फ्लोर रंगीला हो जाएगा, और जैसे रंगीला फ्लोर इसकी मोम देखेगी तो इसकी पिटाई करेगी। और ये देखो, इसका फ्लोर तो नीला हो गया और इसकी तो आंखें बाहर आ गई। उसे पता नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ। चलो गाइस, एक और एक काम करते हैं, इसके पोछे पे डाल देते हैं पूप वाला स्प्रे। इससे क्या होगा? इससे देखना, उसके पूरे घर में पूप वाली स्मेल आएगी। ये तो बहुत मस्त है, अब देखते हैं आगे क्या करता है। अरे ये देखो, हमारा प्लान बिल्कुल सही काम करा और इसने वही वाला पोछा लगाया जिसमें हमने पूप स्प्रे लगाया था। अब आएगा ना मजा दोस्तों। और अब देखना इसकी मॉम इसकी कितनी पिटाई करेगी। हे जरा ये देखो, ये बल्लू तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है। हुर्रे, मेरे को तो लग रहा है नहीं, मैं तो एक पंछी हूँ। अरे तुझे पंछी को अभी देख, हम कितना ऊंचा उछालेंगे कि तू हवा में ही अटका रहेगा। ओह नो, देखो यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगा लिया है, जैसे इस पे ये लगाएगा पैर, ये हवा में उड़ जाएगा। उड़ी बाबा, मैं तो पंछी की तरह मजे से उड़ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा मस्त है। अरे ये क्या हमारा प्लान हमी में उल्टा पड़ गया? ये तो बहुत मजे कर रहा है। तुम्हें यहाँ पर प्रैंक करना आता नहीं है, हमें यहाँ पर एक पत्थर लगाना होगा जिससे इसका बैलेंस बिगड़ेगा और ये गिर जाएगा। देखते ही पत्थर लगा के। उड़ी बाबा, मैं तो बहुत ही मजा कर रहा हूँ। अरे जल्दी करो, नहीं तो उसे पता लग जाएगा। उड़ी देखो, हमने यहाँ पर पत्थर को लगा दिया है। अरे मेरी नाक टूट गई। अभी तो तेरा बहुत कुछ टूटेगा बल्लू। अरे गाइस, हम यहाँ पर अब क्या करें? पत्थर की जगह फुटबॉल रखें या फिर टाइम बम? अरे यार, ये भी कोई सोचने की बात है क्या? हम यहाँ पर रखेंगे टाइम बम और देख, जैसे वो उसको लात मारेगा गुस्से में, उसका तो भाई यहाँ पर भरता बन जाएगा। और ये बल्लू तो बहुत ज्यादा गुस्से में, और देखो इसने कितनी जोर के लात मारी। लेकिन ये कोई छोटा मोटा बम नहीं है, अब देखो कितना बड़ा धमाका होता है। मेरी तो हड्डी टूट गई। जरा ये देखो गाइस, ये है बल्लू की दादी माँ। और ये दादी माँ बहुत ज्यादा कड़ूस है, ये पूरे पार्क में कब्जा करके बैठते, हमें खेलने नहीं देती। अरे पूरे काम करते, इसकी बॉल को बदल के यहाँ पर हैवी बॉल कर देते। अरे हाँ यार, ये ठीक रहेगा। अब देखो कैसे इसका हाथ का भरता बनता है, देखते आगे क्या होगा। अरे वाह, इसका हाथ तो फंस गया। अरे अभी प्लान यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी तो मेरे पास और भी प्लान है। अब तुम क्या करने वाले हो? अरे इस दादी माँ को बेसबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना, अब देखो इसका मैं क्या हाल करता हूँ। अबे अब तू क्या करने वाला है नोबिता? अरे देखो यहाँ पर मैं बॉल की स्पीड बढ़ा देता हूँ, और देखना ये जब बॉल इसको पड़ेगी तो इसकी सारी पत्ती से बाहर आ जाएगी। और देखते नोबिता का प्लान कितना काम करता है। ये क्या, ये तो बॉलों को मार रही है। अरे देखते जाओ अभी आगे क्या होगा। अरे ये क्या, बॉल से तो उसकी बहुत ज्यादा धुलाई हो रही है। यार यही तो था मेरा प्लान, देखा मैंने उसे कितना बजा चखा दिया। चलो गाइस, अब मेरी बारी है बल्लू के ऊपर प्रैंक करने की। और देखते यहाँ पर शिनचैन का प्रैंक कितना ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले तो इसकी छोटी सी बॉल को बदलूंगा एक बड़े से एटम बम में। ये क्या, इसे तो उसका भरता बन जाएगा। अरे अभी तो यहाँ पर प्लान खत्म नहीं हुआ, क्यों शिनचैन? सही का, अब जैसे ये मुंह धोने जाएगा, ये टूटी को मैं खराब कर सारा पानी इसके ऊपर गिर दूंगा। अरे वाह शिनचैन, ये तो बहुत ही मस्त हो जाएगा। वैसे भी बल्लू 100 साल से नहाया नहीं है, तो उसको आज थोड़ा नहला देते। सही का, चलो उस टूटी को थोड़ा सा मैं खोल देता हूँ, अब जैसे वो इसको खोलेगा सारा पानी उसके ऊपर गिर जाएगा। और देखते क्या होता है आगे, काम करता है या फिर नहीं। शिनचैन का प्लान है, काम तो जरूर करेगा। चलो गाइस, अब मेरी बारी है बल्लू के ऊपर कोई खतरनाक प्रैंक करने की। अरे तुम क्या प्रैंक करोगे नियो भैया, तुम तो एक नंबर के नूब हो। अरे मैं कोई नूब नहीं हूँ, अब देख मैं बल्लू के साथ क्या करता हूँ, इसकी जो पैंट है ना पीछे से मैं कैसे फाड़ देता हूँ। ये कैसे करोगे तुम? अरे ये देखो यहाँ पर नियो भैया के पास है सुपर ग्लू, जो भी इस पे एक बारी बैठता है ना उसकी पैंट फट जाती है। और ये देखो हमारा बल्लू बैठ चुका है और उसकी तो भाई पैंट ही फट गई। ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है, उसने तो पीली रंग की पैंट पाई है। अबे पीली रंग की नहीं, लाल रंग की पाई है। और अभी प्रैंक यहाँ पर खत्म नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर गिरूंगा उसकी पैंट पे पानी। अरे फिर तो ऐसा लगे कि बल्लू ने अपनी पैंट में पीपी कर दिया।
और जब सब लोग उसे ऐसे देखेंगे तो सब लोग उस पे हंसेंगे। ओ ये देखो, ये तो मजे से सोया है, इसे पता नहीं कि हमने इसके साथ क्या किया है। और ये देखो, ये तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। oh, no. प्रैंक इतना खतरनाक था तो शर्माएगा ना। चलो गाइस, यहाँ पर मैं फिर से हमारे डल्लू पे प्रैंक करने वाला हूँ। अरे डल्लू नाम नहीं है उसका, उसका नाम है बल्लू। अरे हाँ हाँ कल्लू। अरे कल्लू नहीं, बल्लू बल्लू बल्लू। हाँ हाँ चल्लू कह रहा है ना तू। अरे तुम्हारा दिमाग नहीं हो भैया, मैं कह रहा हूँ बल्लू बल्लू बल्लू। ये क्या, बल्लू के ऊपर तुमने तो बाल्टी रख दी नहीं हो भैया। अरे अब देख उसके साथ क्या होता है, जैसी बाल्टी उसके सर पे गिरेगी वो भाई भाग के जाएगा। अरे फिर क्या होगा, भाग के कहाँ जाएगा वो। अरे अब हम देंगे उसे बिजली का झटका, क्यों नहीं हो भैया। अरे वाह बोचैन, तुझे तो मेरा प्रैंक पहले ही पता लग गया। अरे तुमने भी मेरे साथ यही प्रैंक करा था इसलिए मुझे पता लग गया। अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया कि मैंने बोचैन को भी बिजली का झटका दिया। अरे बिजली का झटका जब पड़ता है तो शरीर नाचने लगता है जैसे बल्लू का नाचेगा। और ये देखो भाई, बल्लू की तो यहाँ पर बुरी हालत हो चुकी है। ऐसी हालत तो बोचैन की भी हुई थी, क्यों बोचैन। अरे हाँ बिल्कुल। ये क्या, आज तो बल्लू का बर्थडे है लेकिन उसने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया नहीं। अरे भुक्कड़ को बुलाएगा तो वो उसका सारा केक हो जाएगा। इस बल्ले के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। oh, no. देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। वैसे तू करने क्या वाला है शिनचैन। देखते जाओ नियो भैया, यहाँ पर मैं इसकी कैंडल की जगह लगा दूंगा बड़ा सा बम। मैं इससे तो उसका कैंडल पूरा खराब हो जाएगा। पास तो उसका बर्थडे यार, हमें उसे सरप्राइज देना चाहिए ना। तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर उसे मैं सरप्राइज भी दूंगा। अरे ये क्या, तुमने उसका केक पूरा बर्बाद कर दिया, साथ साथ उसको तो बल्लू से कल्लू बना दिया। अभी देखो मैं उसे यहाँ पर प्यारा सा गिफ्ट भी दूंगा। अरे तुम उसे गिफ्ट में क्या दोगे, क्या तुम उसे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दोगे या फिर तुम उसे PS5 दोगे। ये कुछ नहीं, मैं उसे दूंगा एक बहुत प्यारा घूसा। अरे ये क्या, तुमने तो उसकी नाक पकोड़े जिस तरह लाल कर दी। चलो गाइस, अब प्रैंक करने की बारी मेरी है। सबसे अच्छा प्रैंक तो मैं करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, सबसे अच्छा प्रैंक मेरा था। सबसे अच्छा प्रैंक मेरा था। अबे नहीं गाइस, सबसे अच्छा प्रैंक मैंने करा था। चलो दोस्तों, आप भी डिसाइड करो कि किसका प्रैंक सबसे बढ़िया था। और ये देखो गाइस, यहाँ पर तो कल्लू के पास आईफोन है। अरे ये तो बहुत ज्यादा अमीर है, इतना अमीर कि सुनियो भी इसके सामने भिखारी लगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक नहीं, मेरे पास 10-10 आईफोन है। अरे ये देखो, यहाँ पर जिया ने तो आईफोन की जगह उसका प्रेस रख दिया। और देखो अब जैसे उसका फोन बजेगा वो फोन उठाने के लिए प्रेस को अपने कान पे लगा देगा। अरे ये क्या, तुमने तो उसके फेस को ही प्रेस कर दिया। और देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर प्रैंक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं उसे धड़ाम से गिरने वाला हूँ और वो इतनी जोर के गिरेगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। अरे तुम उसे कैसे गिराओगे, स्केटबोर्ड से या फिर डोरी से। स्केटबोर्ड से तो वो बच जाएगा क्योंकि उसके स्केटबोर्ड चलानी आती है, लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा रस्सी और जैसी वो इस पे पैर रख के आगे गिरेगा वो देखो कैसे गिरा धड़ाम से। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया।